चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एग्जांपल्स हमने देखे, क्या क्वेश्चन है, मैंने लाइन से 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, वैसे अभी हम आगे चल के ये फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, साइन इनवर्स माइनस थीटा, मैं आपको इनके प्रूफ भी बताऊंगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिखा होता कि कौन सा आप अप्रोच यूज कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, पर आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। जैसे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2, आप इसे चाहे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, और साइन 1/2 π/6 की वैल्यू होती है और माइनस लगा है माइनस π/6। अच्छा इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसकी डोमेन -1 से +1, रेंज -π/2 से +π/2, यानी साइन इनवर्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर +π/2 होगा, मिनिमम आंसर -π/2 होगा। कॉस इनवर्स एक्स का क्वेश्चन होगा, बार बार लिखने का पर्पस होता है, आप लोग भी आदत डालिए, यही आदत नहीं होने से प्रॉब्लम होती है, जितना लिखेंगे इनडायरेक्टली चीजें रिवाइज होती चलेंगी। यहां पर 0 to π अगर टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन हुआ तो -∞ to +∞ -π/2 to π/2, राइट। बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग है इस पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कॉस इनवर्स √3/2। अब बताइए √3/2 वैल्यू कब होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसका मतलब ये हो गया π/6, आप ऐसा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कॉसेक इनवर्स 2 दिया है, अगर आप अभी आगे चल के ये भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स से कॉस एक्स में जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और कॉस एक्स से साइन में जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/x। अब आप चाहे तो कॉस से भी लिख सकते हैं, चाहे तो वो, इसका फायदा ये होगा कि आपको केवल इन 3 फंक्शंस को याद रखना, अगर आप कॉसेक कॉट और सेक को कन्वर्ट कर लें, अब ये कितना, देन अगेन π/6। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 है टेन इनवर्स -√3, जिसको मैं -tan inverse √3 भी लिख सकता हूं, मीन्स -π/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए, कॉस इनवर्स -1/2, अप्रोच नंबर 1 मैं लिखूं π - cos inverse 1/2 π - π/3, दिस इज 2π/3। अप्रोच नंबर 2, कॉस का आंसर नेगेटिव नहीं होता, 0 to π में ही होता है। अप्रोच नंबर 2 कि आप बताइए कॉस एक्स इक्वल टू -1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कॉस 2π/3 इक्वल टू होता है -1/2, इसका मतलब कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, बहुत बेसिक और क्लियर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो 2π/3, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए 6 क्या है, ये नोट कर लो पहले आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, और मैं आपको सारी एक्सरसाइज के साथ साथ मिसलिनियस को एक्सरसाइज भी कवर करवाता चलूंगा, वो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, टेन इनवर्स, आप इसे -tan inverse 1 भी लिख सकते हैं या -π/4, राइट। नेक्स्ट बात करें sec इनवर्स 2/√3, sec में नहीं लिखना, cos इनवर्स √3/2 लिख लीजिए, दिस इज π/6। कॉट इनवर्स √3 को चाहे तो टेन इनवर्स 1/√3, दिस इज π/6, राइट। कॉस इनवर्स -1/√2 मीन्स π - cos inverse 1/√2 मीन्स π - π/4, दिस इज 3π/4, राइट। एंड लास्ट इज 10th क्वेश्चन है, कॉसेक इनवर्स -√2, तो कॉसेक इनवर्स -√2 मीन्स साइन इनवर्स -1/√2 -π/4, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 है, टेन वर्स 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही, टेन वर्स 1 प्लस साइन वर्स 1 -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अच्छा ये कॉस है, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए टेन वर्स 1 क्या होता है, π/4, कॉस में नेगेटिव नहीं होता, 1/2 है, इसका मतलब 2π/3, और साइन में नेगेटिव होगा -π/6।
राइट माइनस ऑफ पाई बाई 6. अगर मैं आपसे बोलूं इस पूरे का एलसीएम ले तो आप बोलते 12, तो ये आता 3 पाई, ये 4 टाइम होता तो ये होता प्लस 8 पाई, ये 2 तो माइनस 2 पाई, 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12 मीन्स 3 पाई बाई 4. ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? 3 पाई बाई 4 क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, कॉस इनवर्स 1 बाई 2 मीन्स पाई बाई 3, 2 पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, राइट? नोट डाउन. यस, नेक्स्ट देखते हैं 13 एंड 14 क्वेश्चन. 13 एंड 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन है. इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन वाई इज लाई, सिंपल वाई इज रेंज हुई, तो रेंज हमेशा वाई की वैल्यू क्या लाई करेगी? माइनस पाई बाई 2 से. देखिए कितने सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, प्लस पाई बाई 2. ऐसे देखिए एक ऑब्जेक्टिव दिया है, टेन वर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, टेन वर्स रूट 3 इज पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स बोला है, तो आप इसमें या तो इसे लिख लीजिए कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2, और कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 कब होता है? 2 पाई बाई 3. तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, नेट आंसर माइनस पाई बाई 3. और एक और तरीका है, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 2 पाई बाई 3. कोई भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, तो ये आंसर हुआ. तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट. अब 2.2 के पहले प्रॉपर्टीज है, पहले वो कवर करेंगे, देन उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे.